खतरनाक इरादे, फिर जवानी यही कुछ तो सिखाती है। लेकिन उनका हाल भी तो पूछती जाओ जिन्हें पहले ही से जख्मी कर रखा है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं तारक सानी ते तुहाडे वास्ते बड़ी ही जबरदस्त एक फिल्म लैके आया। फिल्म का नाम है कई साल पहले। यह फिल्म 5 जून 1974 बरोज जमा रिलीज होने वाली एक ब्लैक एंड वाइट उर्दू फिल्म सी। और इस फिल्म नू जेबी प्रोडक्शन ने रिलीज किया सी। और इस फिल्म के अंदर सुल्तान राई नू तुसी गंडासे चलांदे हुए नहीं वेखोगे, बड़का मारदे हुए नहीं वेखोगे, बल्कि इस फिल्म के अंदर सुल्तान राई नू तुसी नेज़े चलांदे हुए देखोगे, तलवारां चलांदे हुए देखोगे। और सुल्तान राई ने जिहड़ा करैक्टर कीता है, बड़ा ही शानदार काम उसने कीता है। और वो उसने साबित किया है, सुल्तान राई ने यह साबित किया कि हर किस्म की फिल्म और हर किस्म का काम वो कर सकता है। ओ सनम ये तेरा मुस्कुराना, ओ सनम ये तेरा मुस्कुराना। या डायरेक्टर ने दो तजर्बे किए हैं। और उस दौर में अल्ताफ खान जेड़ा बहुत ही खूबसूरत होता सी। और अल्ताफ खान नू और रुखसाना का पेयर बनाया गया, यानी कि अल्ताफ खान नू बतौर हीरो चांस दिता गया। और उस तो अलावा सुधीर दे बेटे ने भी इस फिल्म में चांस दिता गया है। और उसका जोड़ा पेयर वो तराना नाल बनाया गया है, अल्ताफ खान का पेयर रुखसाना नाल बनाया गया है। इस फिल्म का म्यूजिक ही बहुत अच्छा है, बड़े शानदार गाने जेडे ए तुहानू मैं सुनावांगा। हुण प्यार वालों पे जहां वाले जफा करते हैं। और इस तो अलावा डायरेक्टर ने जोड़ा तजर्बा किया वे कि उन्हें अल्ताफ खान नू बतौर हीरो इस फिल्म में पेश किया है। लेकिन अफसोस की गल है कि अल्ताफ खान सुधीर का बेटा वह परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं कर सके जी उन्होंने करना चाहिए सी। इस वजह तो यह फिल्म या तो एवरेज रही है या यह फिल्म फ्लॉप रही है। इस फिल्म का जोड़ा मौजू है तातारियां ने, तातारी दौर जो हों पता सी, चंगेज खान, इलाकू खान, मंगोल खान, यह उन्होंने फिल्म बनाई गई है। यानी कि पुराने दौर अच्छी तरह फिल्म बंद किया गया और डायरेक्टर ने पुराना दौर विखाया। और वाकई पता चलता है कि असी किसी मंगोल दौर ही चाह या तातारी दौर ही चाह, साढ़े सामने चंगेज खान खड़ा है। बड़ी जबरदस्त फिल्म है। और सुल्तान राई ने वर्स्ट स्टाइल एक्टिंग की थी और हट के काम अपना किया है। इस फिल्म के जेडे अदाकार सन सुल्तान राई, सुधीर, बड़ा अच्छा काम किया इन्होंने। इधर म्यूजिक जड़ा है वो दे म्यूजिक डायरेक्टर सन कमाल अहमद ने बड़ी ही कमाल का म्यूजिक दिता है। और बड़े ही अच्छे गाने ने इस फिल्म के, बड़े ही जबरदस्त गाने ने। और आगा दिलराज ने जी कहानी लिखी है और रूटीन तू हट के कहानी लिखी सी, उन्होंने चेंज देने की कोशिश की है। लेकिन मेरा ख्याल है डायरेक्टर को मिसकास्ट हो गई है। अल्ताफ खान ने बतौर हीरो काम किया, वो अपनी परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं कर सके। और इस वास्ते यह फिल्म एक एवरेज या फ्लॉप फिल्म साबित हुई। अगर नाज़रीन तुहानू मेरी मालूमात अच्छी लगी हो मेरे चैनल में लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो।